हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एडोब फोटोशॉप के बारे में। एडोब फोटोशॉप आपको इसमें बेसिक सिखाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर आप फोटोशॉप पहली बार आप मान लीजिए, कहने का मतलब है कि आप उसे यूज कर रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं है कैसे फोटो को एडिट करते हैं। देखिए, फोटोशॉप पर सबसे पहला जो चीज़ है, हर कोई ये चाहता है कि हमें एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कैसे बनाएं, और उसी को सबसे फर्स्ट जो बेसिक सेटिंग है ना, तो वही चीज है। तो चलिए बड़ो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। तो अगर आपका विंडो 10 है, विंडो 7 है, सीखने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है उससे आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम ओपन कर लिए हैं और देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जिस फोटो को आप सीखेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को आपको इस तरह यहाँ पे ऐसे पकड़ के लाके एडोब फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे कि ये फ़ोटो हो गया, आप सबसे पहला जो है कि आपको मैं बता देता हूँ कि जो टूल है, कौन कौन सारे टूल है। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इसे क्रॉप करना होता है, इसे यहाँ पर जो टूल है, देखिए ये जो है पॉलिटिकल लेसोटेल जो है, इसको यूज़ करना होता है। बीच वाला पे इसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से राइट क्लिक करके ए वाला, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको इसे क्रॉप करना पड़ता है। आप ऊपर में यहाँ पे देखिएगा, एक क्रॉप टूल है, ये माउस का जो एरो हम घुमा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर 35 mm आपको देना है, 35 mm, और यहाँ पर 45 mm देना है। उसके बाद रेजुलेशन जो होगा, यहाँ पर आप 300 या फिर 200 दीजिएगा, मैं 300 दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे इस तरह आपको पूरा इसे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह, तो इतना आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपने अनुसार इतना सिलेक्ट कर लीजिएगा जितना यहाँ पे सिलेक्ट कर इसे, जितना जो साइज़ मैंने बताया 35 mm और 45 mm। तो यहाँ पर देखिए, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर से ये जो ओके बटन है इसको दबा देना है, ये क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पॉलिटिकल जो लेसो टूल है उसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो है, आपको इस एरो पे आपको दबाना होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक करके इस पर ले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर इस पर टिक करना है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इस तरह ओके करते जाना है, ये आपका इसका सिलेक्शन होगा। ये देखिए, यहाँ पर जितना इधर इस तरह सिलेक्शन करना होता है, अगर ऐसे रिमूव करना हो तो बैक स्पेस से इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका गलती से इधर हो गया, देखिए, तो आपको इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, बैक स्पेस से, जो जो लोग मिटाते हैं ना वर्ड को, वही उसी से। तो मैं फटाफट इसे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इस तरह सिलेक्शन हो जाता है इस तरह, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इंटर मार दीजिएगा पूरा लाने के बाद। तो देखिए, सब सिलेक्शन हो गया। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबा देना है। बैकग्राउंड देखिए, ये जो कलर है ऊपर पीला जो है फोरग्राउंड है, और सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है। तो इस पर अगर दूसरा कलर करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पूरा ब्लू टाइप का कलर ले लेते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ब्लू कलर हो गया। आप कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबा देंगे, देखिए ये यहाँ पर हट गया। तो इस तरह आप पहला जो बेसिक चीज़ है, यहाँ पे इस तरह आप इसे बैकग्राउंड जो है यहाँ से हट जाता है इस तरह। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ डी दबा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके साथ जो जो हल्का हल्का बचा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ ए जो है आपका ये इधर ये जूम टूल है, इसको आप क्लिक करके जूम करके देख सकते हैं, जैसे सब बचा हुआ है। तो इसको फिर से आप यहाँ पर इस तरह क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। देखिए, इतना सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक गलती से इधर आ गया, तो बैक स्पेस हम पीछे पीछे जा सकते हैं। फिर यहाँ से आके ओके कर देंगे, इंटर दबा देंगे, सिलेक्शन हो गया। कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबा देंगे, हट गया। देखिए, तो इस तरह इसको हटा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम ज़्यादा इस पर करेंगे तो। तो इस तरह आप यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ है इस तरह हो जाता है। उसके बाद आप अगर फिट स्क्रीन करना तो व्यू पर जाके फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे, तो देखिए फिट हो गया। तो इस तरह जितना इस तरह आगे इधर का बचा हुआ है, इस तरह आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके साथ इसको अगर सेव करना हो तो फाइल पर जाके और सेव एस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इधर JPG सेलेक्ट करना है, यहाँ पे JPG, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है कुछ भी, और यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरह आप पहला जो है ये बेसिक चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे हर बार, तो अब इसे आप
सीख जाएंगे। बेसिक चीज़ यही चीज़ है, फ़ोटो बनाना बेसिक चीज़ है। और अधिकतर जो 100 में 98 तक मतलब कि अधिकतर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसमें एडिट होता है अधिकतर। उसके साथ इसे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो मेरा बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इस और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।